महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध द्वारा देशे सुआख्या आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 17वीं अखिल भारतीय बौद्ध धर्म परिषद मुलावा, इस परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्खु धर्म सेवक महाथेरु पंत जी, पूजनीय उपस्थित भिक्खु संघ श्रामिकगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका, महाकारुणी तथागत बुद्ध ने हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए, हम जैसे हर समय अनेक अनेक दुख पीड़ा तकलीफों से व्याकुल और बेचैनी हो रहे इंसानों को व्याकुल मुक्त बनाने के लिए, दुख मुक्त बनाने के लिए महाकारुणी तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो हमारे दुख तकलीफ समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है, जैसे दुनिया में ढेर सारा दवाइयां है, सारा दवाई लेके बैठने की जरूरत नहीं है, पर जब खुद को लगता है कि मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मेरे शरीर में ये बीमारी है, बस पहचान, और पहचानने के बाद या खुद नहीं पहचाने तो डॉक्टर के पास जाके जैसा जिस तरह दवा चाहिए वैसा दवा ले लो। उसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक अनेक दुख है, पीड़ा है, तनाव है, उत्पीड़न है, न जाने कितने कितने तकलीफ है। यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि बंते जी माला करे काई पन दुख नहीं, मेरे पास तो कोई दुख ही नहीं है, ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? मेरे पास कोई तकलीफ ही नहीं है, ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, स्टेज में बैठे है ना, दिखता है, आप लोगों को देखता हूँ, मुस्कुराते हुए धम्म देशना सुन रहे हैं, तो लगता है ना कि आप लोगों के कोई तकलीफ ही नहीं होगा, टेंशन ही नहीं होगा। अरे जब अकेले बैठेंगे अनेक अनेक विचार भाव तरंग आएंगे तो ऐसे टेंशन, ऐसे चिंता, हर व्यक्ति में तनाव है, चिंता है। इसलिए जब भी मौका मिले तथागत बुद्ध के उपदेश सुनना है, तथागत बुद्ध के उपदेशों को समझना है। दुनिया में ये बुद्ध वाणी समान दूसरा कोई दवाई है ही नहीं, ये दवा लिया तो बड़े से बड़े बीमारियां भी आराम से ठीक हो सकता है, इसलिए इसको समझना है। तो सबसे पहले खुद को किस तरह का दवाई चाहिए वो भी पहचानना है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में जितने भी प्राणी है, जितने भी प्राणी, न केवल मुलावा के, न केवल महाराष्ट्र के, न केवल इंडिया के, विश्व के जितने भी इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ छह चरित्रों में रख सकते हैं। छह चरित्र के अलावा सात चरित्र भी नहीं,
कोई राग चरित्र रहता है, हर चीज में बहुत जल्दी जल्दी आसक्त हो जाता है, लोभ लालच उत्पन्न करता है। ये देखा, अरे वाह कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ऐसा लोभ लालच बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो समझ लेना राग चरित्र है। किसी किसी के पास द्वेष चरित्र रहता है, बहुत जल्दी जल्दी एकदम चिड़चिड़ापन आता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, और गुस्सा भी यकीन मानिए इस तरह आता है कि तम देश ना सुन रहे और ऐसे आगे आके कोई फोटो भी लेने के लिए आया, अरे ये फोटो क्यों ले रहे, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें भी गुस्सा चिड़चिड़ा, एकदम छोटे से छोटे बातों में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो समझ लीजिए हमारे अंदर द्वेष चरित्र है। और कोई कोई मोह चरित्र रहता है, कुछ भी बोलो समझ में ही नहीं आता, अज्ञानी मूर्खता समान, कुछ भी समझ में नहीं आता, मोह चरित्र। कोई कोई बुद्धि चरित्र, हर एक चीज बुद्धि से ही विचार करते रहते बुद्धि से ही, तो वो है बुद्धि चरित्र। कोई कोई वितर्क चरित्र का रहता है, हर चीज को तर्क वितर्क करते रहते, सूर्य पूर्व से उदय होता है तो पश्चिम से क्यों नहीं, उत्तर से क्यों नहीं, दक्षिण से क्यों नहीं, पूर्व से ही क्यों, के पंत जी वंदा में सुखी हो क्या मैं दुखी हूं, मतलब इस तरह से हर एक चीज में तर्क वितर्क करते रहना। किसी किसी का आदत रहता है बिना काम का तर्क वितर्क करते रहता है, तो समझ लेना वितर्क चरित्र। और कोई कोई श्रद्धा चरित्र का रहता है, जो भी बात बोले बहुत जल्दी विश्वास करता है, साधु 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 तुरंत विश्वास करता है। कोई कोई रहता है ना, उसको बोलना समझाना बहुत आसान रहता है, बहुत जल्दी विश्वास में आता है, तो वो है श्रद्धा चरित्र। इस तरह राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितर्क चरित्र, श्रद्धा चरित्र, दुनिया में जितने भी इंसान है ये छह ही चरित्र में आता है, इसके अलावा सातवां चरित्र भी नहीं है। तो समझना हमारे अंदर कौन सा चरित्र है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो हर किसी में होगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, मोह भी होगा, बुद्धि वितर्क श्रद्धा सब होगा, मगर एक ऐसा चरित्र जो हम में ज्यादा ही हावी होता है, कोई जल्दी जल्दी गुस्सा ही करता है, कोई हर चीज में एकदम आसक्त होके बैठता है, कोई ना कोई एक चरित्र है। तो समझ लेना खुद में, दूसरे में नहीं, खुद में कौन सा चरित्र है। अभी बाह्य आंखों से तो दिखेगा नहीं, दूसरों को देख सकता है, दुनिया देख सकते है, मगर खुद को देखने के लिए आंखें बंद करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, उसके लिए साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अपने आप को देख के पहचान लेना मेरे अंदर ये चरित्र है। बस तथागत बुद्ध ने हर चरित्र के इंसानों को उसी तरह से ये करना है। जैसे कोई ज्यादा ही गुस्सा करता है तो मैत्री भावना करते जाओ, मैत्री भावना करते जाओ। कोई ज्यादा ही राग चित्त करता है तो अशुभ भावना करो, मरणानुस्मृति भावना करो। हर चीज के लिए तथागत बुद्ध ने दवा दिया है, तो पहचानना जरूरी है। तथागत बुद्ध ने लोगों को समझ में आए इस तरह से सामान्य तरह से तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। बुद्ध ने ऐसा धम्म नहीं दिया कि एकदम हाई स्टैंडर्ड में जो विद्वान भी समझने को बहुत मुश्किल हो जाए, इस तरह का उपदेश नहीं दिया। बुद्ध ने लोगों की भाषाओं में, लोगों को जिस तरह समझ में आए उस तरह से, तथागत बुद्ध के उपदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल वर्ग
वो लोग भी आराम से समझ पाते हैं। खेतों में दिन रात कर काम करने वाले एक किसान भी आराम से समझ पाते हैं। ये तथागत बुद्ध की विशेषता है, ये तथागत बुद्ध की वाणी है, सबको समझ में आए इस तरह से उपदेश देते हैं। और तथागत बुद्ध के उपदेश लोगों को समझ में आता है तो समझ जाते हैं, समझ जाते हैं तो अच्छा है बुरा है वो समझ जाते हैं, फिर अच्छा है तो अभ्यास करेंगे, बुरा है तो दूर रहेंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारे उपदेश देके गए। तो वो उपदेश तथागत बुद्ध के बाद जो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद तथागत बुद्ध के वाणी को तम और विनय के रूप में बुद्ध के अरहत शिष्यों ने संग्रह करके रखा, संगायना करते करते संग्रह किया। वही तम और विनय को सम्राट अशोक के समय में जो तृतीय बोध संगायना हुआ, उस समय तम और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, सुत पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के रूप में तथागत बुद्ध के वाणी संग्रहित है। ये सारा त्रिपिटक में 84,000 तम स्कंद है, 82,000 तम स्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, बाकी 2,000 तम स्कंद बुद्ध वाणी सुन के उनके शिष्यों ने उपदेश दिया हुआ। तो इतने विशाल बुद्ध वाणी का सारांश रूप में तथागत बुद्ध ने सप्त तीन सौ बोधि पक्षे धम्म, उसको भी एकदम सारांश में निकाल के शील समाधि प्रज्ञा के रूप में बताया है। और तथागत बुद्ध ने ये सारे धम्मों को सारांश रूप में एक गाथा द्वारा भी बताया। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, ये बुद्धों का उपदेश है, शिक्षा है, तम है। क्या धम्म है? सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप अकरणं ना करो, जितने भी पाप है वो ना करो। जो चीज करने से हमारा भी हानि नुकसान होगा, हमारे अपनों का भी हानि नुकसान होगा, जो चीज करने से भविष्य में आंखों से आंसू गिरा के पश्चाताप करना पड़े, ऐसे अनुचित अयोग्य गलत पाप कर्म ना करो। जितने भी पाप है, चाहे ये शरीर से, चाहे वो वाणी से, चाहे वो मन से, जितने भी पाप है वो ना करो। जैसे हम पंचशील प्रार्थना करते हैं, उसमें भी शरीर से तीन तरह का पाप करने वाला आता है, पानातिपाता प्राण हिंसा करना, अदिन्ना दाना चोरी करना, कामेश मिथ्याचारा काम मिथ्याचार पे विचार करना, ये शरीर से करने वाला पाप है ना करो। वैसे वाणी से भी चार तरह का पाप करते हैं, मुसावादा असत्य झूठ बोलते हैं, पिशुन वाचा चुगली करते हैं, संपप लाप वाचा निंदा चर्चा करते हैं, फिर फरूसा वाचा कड़ा अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं,
ये वाणी से करने वाला पाप है, इसे ना करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, ये मन से भी तीन तरह का पाप करते हैं, अविद्या, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। अविद्या, हर चीज में लोभ लालच उत्पन्न करके बैठना। व्यापाद, अनेक तरह से गुस्सा द्वेष उत्पन्न करके बैठना, चिड़चिड़ा होके बैठना। और मिथ्या दृष्टि होके बैठना, सही को सही, गलत को गलत ना पहचानना। सही किया तो सही होगा, गलत किया तो गलत होगा, ये न जानना, मिथ्या दृष्टि होना। तो ये मन से करने वाला पाप है। तो चाहे शरीर से करने वाला हो, चाहे वाणी से करने वाले हो, चाहे मन से करने वाले हो, ऐसे पाप से दूर रहना है। कुशल से उपसंपदा, जितने भी कुशल है, अच्छे है, पुण्य है, उसे करते जाओ। चाहे वो शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, चाहे वो श्रद्धा पूर्वक दान देने वाला हो, चाहे शील पालन करने वाला हो, चाहे अपने आप को देखने के लिए ध्यान भावना करने वाला हो, चाहे धम्म देशना सुनना हो, चाहे कुछ दान देना, कुछ भी, जो भी अच्छे है उसे करते जाओ। सचित्त परियोदपन, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, दूसरे का नहीं, खुद का, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से पासति वा करोति वा, अगर वो बोलेंगे या करेंगे तो ततोनं दुख मन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख कैसे आता है, चक्कंगो वहतो परं, वो बैलगाड़ी के पीछे पीछे जो पारी पहिया पीछे 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 आता है ना, वो बैलगाड़ा को अरे कितना भारी हो गया करके खुद वो अलग नहीं कर सकते, जहां जहां गए वहां वहां वो पारी पहिया पीछे 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 आता है। बस पाप किया तो दुख उसी तरह आता है। गलत मन से हम बोलेंगे या करेंगे तो पाप होगा, पाप किया तो ऐसे बैलगाड़ा के पीछे पीछे पहिए की तरह दुख आता है। फिर तथागत बुद्ध इस तरह भी कहते हैं, मनसा चे पसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से पासति वा करोति वा, अगर वो बोलते हैं या करते हैं तो ततोनं सुख मन्वेति, अब देखिए उसके पीछे पीछे सुख आता है। और सुख कैसे आता है, छाया वो न पायनी, जब हम कहीं चलते हैं तो साया हमारे पीछे 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 आते हैं, वो साया, वो परछाया आए करके हमें कोई भी तकलीफ नहीं होता, कोई भी भार नहीं होता। वैसे ही अच्छे मन से काम करने वालों को, अच्छे मन से बात करने वालों को सुख भी पीछे 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 आता है। आप लोगों ने देखा होगा जीवन में कभी कभी कितने बड़े बड़े मुसीबत आ जाता है, कितने बड़े बड़े तकलीफ आता है, कभी कभी तो कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है। और देखना, अगर वो धम्म करने वाला हो, अगर वो पुण्य करने वाला हो, इतने बड़े एक्सीडेंट, इतने बड़े मुसीबत कहां कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। मगर पाप करने वाला हो, गलत करने वाला हो, अकुशल करने वाला हो, देखना उसके जीवन में, उसके परिवार में छोटे से छोटे तकलीफ, मुसीबत या इश्यू आता है और वही बढ़ बढ़ के इतना बड़ा बड़ा इश्यू बन जाता है, इतना बड़ा बड़ा मुसीबत बन जाता है कि बम की तरह विस्फोट होता है। इसलिए पाप करने वाले को पाप फल ही भुगतना पड़ेगा और पुण्य करने वाले को पुण्य ही मिलेगा। अच्छा करने वाले को अच्छा ही मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा। ये तथागत बुद्ध भी कहते हैं और ये प्रकृति का नियम भी है।
हम अच्छा करने गए तो हमें अच्छा ही मिलेगा। हम बुरा करके किसी को गाली गलौज देके हाँ वो मुझे सम्मान करे, वो मेरा हजर हजर करे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम दूसरों को सम्मान करेंगे तो हो सकता है वो भी हमारा सम्मान करे, मगर हम दूसरों को गाली गलौज देंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमें गाली गलौज ही देगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में हमें अच्छा चाहिए तो अच्छा ही करना है, पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। अगर जीवन में गलत काम किया, अकुशल किया, पाप किया, तो दुख पीड़ा तकलीफ यहां वहां से कहां कहां से आता है पता ही नहीं चलता, और आता है जीवन में ढेर सारे दुख तकलीफ आता है, न जाने हमने क्या क्या गलत किया होगा, ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अगर जीवन में दुख तकलीफ पीड़ा इनको कम करना है, दमन करना है, समन करना है, तो पाप ना करो, कुशल कर्म करो। एक बार तथागत बुद्ध के पास श्रावस्ती नगर के तोदय ब्राह्मण के पुत्र शुभ मानव आके पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? एक समान है क्या? दिखने में तो एक समान है, चेहरा है, हाथ है, पैर है, शरीर है, सबका वैसा ही है, मगर ध्यान से देखा जाए तो इंसान इंसान होके भी कितना यहाँ बदलाव है, कितना फर्क है। कोई यहाँ अल्पायु है, माँ के पेट में ही मर जाता है, जन्म होते ही मर जाता है, छोटे समय ही मर जाता है, और कोई यहाँ दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते। इंसान इंसान होके ये असमानता क्यों? कोई यहाँ बहुत पैसे वाला है, इतना पैसा कि उसको ही पता नहीं कहाँ है क्या है, और किसी के पास पैसा ही नहीं, इतना दरिद्र, इतना गरीब कि सुबह खाया तो शाम को क्या खाऊं, शाम को खाया तो कल को खाने को मिलेगा कि नहीं। कोई कोई बहुत ही विद्वान पंडित है, और कोई कोई कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है। कोई कोई दिखने में क्या खूबसूरत दिखता है, और कोई कोई दिखने में बहुत ही घिनौना, बहुत ही कैसे कैसे दिखता है। कोई कोई बहुत ही ताकतवर है, बलवान है, और कोई कोई एकदम कमजोर है। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? तब तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए गाथा द्वारा समझाते हैं। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दाया दा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदा यदा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, इसका प्रमुख कारण कम्म है। कम्म की वजह से ही ये सारे चीज हो रखा है। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं। अगर अच्छे करते हैं, अच्छे सोचते हैं, अच्छे बोलते हैं, तो वो कुशल कर्म, अच्छा कर्म। अगर बुरे बोलते हैं, बुरे सोचते हैं, बुरे करते हैं, तो वो गलत कर्म, अकुशल कर्म।
जो कुशल कर्म करता है उसका परिणाम अच्छा ही आता है, जो अकुशल कर्म करता है उसका परिणाम बुरा आता है। तो यहाँ इंसान इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कर्म ही वैसा है। पढ़ा लिखा विद्वान होने के लिए बचपन से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। पढ़ने के समय पे यहाँ वहाँ खेल के भाग के बैठेंगे तो कहाँ होगा। मेहनत करने के समय पे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक जगह पे मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा कमाएगा। और कमाने के समय पे यहाँ वहाँ मौज मजा करते फिरेंगे तो कहाँ कमा पाएंगे। हर जगह पे जो जैसा कर्म करता है ना, जो जैसा काम करता है ना, वो वैसा ही भुगतता है। कम दायादा, जिस तरह माता पिता के धन संपत्ति में उसके बच्चों का अधिकार लगता है ना, उसी तरह हम भी अपने कर्म का अंशियार है। जैसा हमने कर्म करके रखा है उसी का ही हमें भुगतना है। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। माँ बाप ने खूब सारा पैसा कमा के रखा है तो बच्चे लोग आराम से गाड़ी में बैठ के अच्छे अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। अगर माँ बाप ने अच्छे से काम नहीं किया, दारू पी के ऋण ही ऋण करके गया तो बच्चों को ऋण देते बैठना पड़ेगा, वो ऋण देते बैठना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसा हमने कर्म करके आया वैसा ही हम उसका अधिकारी होता है। कर्म योनि, ये जन्म होने का कारण भी हमारा ही कर्म है। देखो ना, कोई जन्म होते ही इतनी लाड प्यार से लाखों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। खुद का ही कर्म है। जिसने अच्छे से अच्छे कर्म करके आया वो अच्छे जगह पे जन्म होता है, जिसने बुरे से बुरे कर्म करके आया वो बुरे जगह पे जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा सही मायने में अपने है। हम अपने करते कहते हैं ना, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे चाचा चाची, ये मेरे ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मगर सही मायने में अपना बंधु बोले तो सही कर्म है। हमारा अपना चरित्र, हमारा काम अच्छा रहा ना, दुनिया के कोई भी कोने में जन्म हुआ हो वो अपना है। अगर उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका कर्म अच्छा नहीं रहा ना, एक ही माँ के पेट से निकला हुआ भाई भाई हो, बहन बहन हो, वो भी जानी दुश्मन हो जाता है। इसलिए कर्म ही हमारा बंधु है। कम्म पति सरना, सही मायने में यही कम्म हमारा शरण है। वैसे शरण तो हम जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्ध के शरण जाते हैं, तमं शरणं गच्छामि तम के शरण जाते हैं, संगं शरणं गच्छामि संग के शरण जाते हैं। और शरणते में तो हम ये भी कहते, नत्ति में शरणं अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, ये तेन सच्च वचेन हो तुम्हें जय मंगलं। दूसरा कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरा शरण है, इस सत्यवाणी से हमारा जय मंगल हो। उसी तरह तम संग, बुद्ध धम्म संघ के शरण, त्रिरत्न के शरण। मगर केवल सुबह शाम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, या तथागत बुद्ध के मूर्ति के सामने, या विहार में जाके, या पूजने भिक्षु संघ के सामने जाके बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, ये कहने से हम दुख मुक्त होने वाला नहीं है। दूसरा तो छोड़ दो, आपके परिवार में जो आ रहे वो मुसीबत से भी हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण जा रहे। बुद्ध बोले तो क्या, सिद्धार्थ गौतम नहीं, बुद्ध बोले तो ज्ञान।
जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने बोध ज्ञान प्राप्त किया तब से वो बुद्ध बन गए। मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता है वो बुद्ध है। अभी बुद्ध बोले तो ज्ञान के अथाह सागर, ज्ञान जो दुख मुक्ति का ज्ञान है, बोधि ज्ञान है। अभी ऐसे बोधि ज्ञान के शरण में जाके हमें भी ज्ञानी होना चाहिए ना। मूर्ख बनेंगे तो क्या होगा, क्या कल्याण होगा। तम बोले तो जीवन में आने वाले हर मुसीबत का समाधान है, हर दुख का मुक्ति है। ऐसे अच्छे मार्ग तम के शरण में जाके हम चले ही नहीं, केवल बैठ के स्तुति करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, गुणगानी करते रहेंगे, तो फिर कहाँ कल्याण होगा। संग हाँ, इतना तथागत बुद्ध के तम बुद्ध ये आगे बढ़ाने वाले, हमें अच्छे मार्ग निर्देशन देने वाले, खुद दुख मुक्ति के तरफ जाके लोगों को भी प्रेरणा देने वाले, अनुतरंग पुण्य खेतंग लोकसा, दुनिया में पुण्य रूपी अनुपम खेत समान, ऐसे संग के शरण में जाके हम हमेशा भ्रमित बने रहे कि ये पुण्य है, वो पुण्य है, ये कुशल है, ये कुशल है, कुछ भी पता नहीं, तो क्या करें। इसलिए बुद्ध धम्म संघ के शरण जैसे जाते वैसे ही अच्छा हमें करना ही चाहिए। चरित्र से करना है, व्यवहार से करना है, काम से करना है, तब जाके हमारा कल्याण होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये कम्म पति शरणा, कर्म ही हमारा सही शरण है। यंग कम्मं करी संति, जैसा हम कम करते हैं, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तस्दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही फल भुगतेगा। जिसने अच्छा किया अच्छा ही परिणाम आया, जिसने बुरा किया बुरा ही परिणाम आया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो शुभ मानव को इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान ना होने का कारण यही कर्म है। जिसका अच्छा हुआ है उसने अच्छा कर्म करके आया, जिसका बुरा हुआ है निश्चित रूप से उसने बुरा कर्म करके आया। इसलिए हमें अच्छा होना है तो अच्छा ही कर्म करना पड़ेगा। ये तथागत बुद्ध के कर्म सिद्धांत है। यहाँ कोई ऐसे अलौकिक देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है कि आप लोगों को चलो इसको थोड़ा दुख ही दे दे, चलो इसको थोड़ा सुख ही देते, चलो इसको अच्छे जगह पे लाते हैं, चलो इसको कूड़े में फेंकवा देते। ऐसा करने वाला कोई नहीं है, हम खुद है। हमने जैसा कर्म किया वैसा ही परिणाम आया। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया। अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम खुद के मालक खुद ही है, हमारे कोई और मालक नहीं है। अच्छा करना है तो हमें करना है, बुरा करना है तो हमें हमसे ही हो जाएगा। अच्छा परिणाम आता है तो वो हमारे अच्छे कम है, बुरा परिणाम आता है वो भी हमारे ही बुराई का नतीजा है। अभी हम यहाँ तम परिसर में बैठे हैं ना, हाँ तम परिसर में बैठे हैं, पूजने भिक्षु संघ के सामने बैठे हैं, तम देशना सुन रहे हैं। ये पुण्य है कि धम्म है, कुशल है कि अकुशल है? कुशल है ना, पुण्य है ना, इसलिए हम पुण्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जमा हुए हैं। मगर अच्छे पुण्य कर्म में रह के भी बैठ के भी आप लोग सामने बैठ के तम देशना नहीं सुन पा रहे है, बस मन व्याकुल करके बेचैन होके बैठे हैं, खुद का ध्यान इधर उधर ही जा रहे है और बाह्य चीजों का महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा पाल रखे है, हमें कितना गर्म हो रहा है, अब क्या करूं क्या करूं, ऐसे बेचैन होके बैठते हैं। तो कानों में इतना अच्छा धम्म देशना सुनाई दे रहा है मगर समझ पाएंगे क्या?
नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका वो तम रस कहाँ महसूस होगा, वो तम का तरंग कहाँ उत्पन्न होगा। बस मन में तो एकदम व्याकुलता चिड़चिड़ाई आएगा, अरे इतना गर्म हो रहा है, अरे इतना तकलीफ हो रहा है, अरे कब जाने को मिलेगा, अरे कब खाने को मिलेगा। बैठे तो पुण्य कार्य में ही है, बैठे तो कुशल जगह पे ही है, मगर कुशल जगह पे अच्छे जगह पे बैठ के भी हम अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। एक बार विशाखा उपासिका अपने ससुर मृगार सेठ को सोने के थाली पे अच्छे से अच्छे भोजन खिला रहे थे और साथ में बैठ के पंखा ऐसे हवा दे रहे थे। उसी समय बाहर से एक श्रमण एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए आते हैं। वैसे मृगार से श्रद्धावान नहीं था, वो किसी को दान भी नहीं देता, पर विशाखा श्रद्धावान 7 साल के उम्र में 7 इयर्स के उम्र में बुद्ध के उपदेश सुन के वो श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे, इसलिए उनमें तो श्रद्धा है। वो चाहती थी कि जो अपने चौखट पे आए दरवाजे पे आए भंते जी को कुछ भिक्षा तन दे, पर ससुर सामने है तो खुद होके जाना भी अच्छा नहीं, हाँ मतलब ये ससुर का अपमान हो जाएगा, इसलिए वो हवा देते देते पंखा ऐसे हवा देते देते दरवाजे की तरफ जो भंते जी वो ससुर को दिखे उस तरह से वो अलग 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 करके बैठते, मगर वो मृगार से उसके ससुर भी कितना भी सामने सामने करे फिर भी उसको देखना न पड़े करके वो एकदम नीचे 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 करके वो खाना खा रहे। विशाखा उपासिका ने कितना प्रयास किया कि ससुर जी उनको देखे थोड़ा दान दे, पर देखता ही नहीं, नीचे नीचे झुकके ही खा रहे थे। तब विशाखा समझती है कि ये ससुर जी दान देने वाले नहीं है, तो वो सीधे सीधे पंते जी को कहते हैं, पंते जी मेरे ससुर जी बासी भात खा रहे, बासी खाना खा रहे, इसलिए आप दूसरे जगह भेज जाए। ये बात सुन के मृगार से उन जमाने के करोड़पति तनाद्य सेठ, उसमें इतना अहंकार इतना अभिमान, और अपने बहू अभी भी आए बहु और वो मुझे बासी खाए, सोने की थाली में इतना अच्छे अच्छे खाना खा रहे और कहती है बासी खाना खा रहे, सोने की थाल वहीं पटक के गुस्से से चला जाते। बाद में विशाखा को वहां बुला के क्यों क्या क्यों ऐसा बोले ये पूछने पे वो बोलती है कि मेरे ससुर जी पहले अच्छे से अच्छे पुण्य करके आए, इसलिए उनको इतना धन संपत्ति मिला, इतना अच्छा खाना मिला, मगर अभी तो कुछ पुण्य नहीं कर रहे, इसलिए बासी जो पहले का है वही खा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे इसलिए बासी खा रहे हैं इस मान, इसलिए तथागत बुद्ध कहते यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति अतनो, जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आएगा, कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही परिणाम आएगा, जो बुरा करता है उसे बुरा ही परिणाम आएगा। बुद्ध कहते हैं यादिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलं, खेतों में जैसा बीज हम बोएंगे वहां वैसा ही फल आएगा। धान का बीज बोएंगे तो धान ही आएगा, गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं आएगा, धान का बीज बो के हम प्रार्थना करेंगे गेहूं आए ये संभव नहीं, और गेहूं का बीज डाल के वहां धान आए ये संभव नहीं, जैसा हम करते हैं वैसा ही परिणाम आएगा, इसलिए पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा, पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा,
ये कर्म फल सिद्धांत है। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन आएगा, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। पहले अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। ये कर्म फल सिद्धांत है। इसलिए जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने तम पद में एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, नंत लिखे न समूतमज्जे न पापतानं विवरं पविष्य न विचति सो जगति पदेशो यतातितो मुंसे यपापकम्मा। नांत लिखे न समुद्धमज्जे न पब्बतानं विवरं पविष्य। अगर कोई इंसान गलत काम करता है, कोई इंसान पाप करता है, कोई इंसान अकुशल करता है और वो पाप से भयभीत होके, पाप से डर के, अब मैं क्या करूं क्या करूं, अब मैं कहां जाके छुपूं, कितना भी भयभीत हो, कितना भी डरो, मगर पाप से भयभीत होके छुपने की जगह कहीं भी नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वो पानी के नीचे भी छुपा रहा तो भी पाप से नहीं बच सकता, अगर वो आकाश में भी छुपा रहा तो भी पाप से नहीं बच सकता, अगर वो जमीन में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में भी छुपके बैठा तो भी पाप से नहीं बच सकता। कोई पाप करता है तो पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। कोई पाप करता है तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। अगर हमने कुछ गलत किया ना तो उसका गलत परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पाप किया और मैं क्या करूं करके बच के भागने की जगह कहीं भी नहीं है। तो त्रिपिटक के जो एकदम पॉपुलर, एकदम सुप्रसिद्ध ये ग्रंथ है तमपद, और तमपद के अर्थकथा ग्रंथ में एक कहानी आता है कि पाप किया तो कहीं भी जाके नहीं बच सकता। तो वो कहानी मैं आप लोगों को संक्षिप्त में सुना देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास से भिक्षु लोग ये दुख मुक्ति निर्वाण तक पहुंचने का जो उपदेश सुन के, चलो अभी हम कहीं दूर जंगल में वर्षावास रहने जाएंगे, ध्यान करेंगे और दुख मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे करके एक समूह भिक्षु वहां से निकला। और निकल के अभी अच्छे जगह कहाँ मिलेगा, जहां जंगल गांव से ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए ताकि भिक्षाटन के लिए समस्या ना हो, और ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे लोग सब लोग वहां खेलने आएंगे तो ध्यान होगा नहीं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते गया तो एक जगह मिला नजदीकी गांव। तो सारे उपासक उपासिका ने प्रार्थना करके पंते लोग आप लोग यहीं वर्षावास रहिए करके भोजन के लिए 500 भिक्षु भोजन के लिए तैयारी किया। भोजन इतने सारे भिक्षुओं को भोजन बनाने के लिए बड़े बड़े पतले में वहां खाना बन रहा था, आग जला रहा था। वहां एक घटना होता है, एकदम अलौकिक घटना। वो घटना क्या होता है, वो आग जलाते जलाते अचानक से एक टुकड़ा आग उठ के आकाश की तरफ जाता है, और उसी समय आकाश में उड़ते उड़ते आए हुए एक कौवे वो आग के लपेट में आ जाता है और वहीं गिर के तड़प तड़प के तड़प तड़प के मर जाते हैं सबके सामने। तो ये देख के सारे उपासक उपासिकाएं सोचने लगते, अरे ये क्या हुआ, जो आकाश में उड़ने वाले पंछी और ये जमीन का आग, अचानक से जमीन का आग, आकाश में जाना और वो पंछी
उसके लपेट में आना, ये क्या होगा रेगा, क्यों हुआ रेगा। फिर पंथे लोगों के मन में भी रहा इसका कोई ना कोई तो वजह होगा। चलो जब हम तथागत बुद्ध के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से बुद्ध से पूछेंगे करके वो लोग वर्षावास समापन होने के बाद बुद्ध के पास जाते हैं ये पूछने के लिए। एक समूह, दूसरा एक समूह का क्या हुआ, एक दूर गांव में भिक्षु लोग वर्षावास रहे। 3 महीना वर्षावास पूरा होने के बाद उन लोगों को लगा चलो अभी हम भगवान बुद्ध से मिलने जाएंगे। तो वो लोग आए, आते आते एक बहुत बड़ा सागर पार करने के लिए जहाज से जाना था, तो वो लोग जहाज में चढ़ के आ गए। तो ऐसे जहाज में चढ़ के बहुत सारे लोग हैं जहाज में, जाते 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 सागर के बीच में जैसे पहुंचा अचानक से वो जहाज बंद गिर गया। अब कितना समस्या, कितना मुसीबत, बीच सागर में जहाज बन गिर गया, अब क्या करे। तो वहां सारे लोगों ने, जो जहाज चलाने वाले सारे लोगों ने, क्या हुआ क्या ऐसा मुसीबत आया करके सारा चेक किया, पर जहाज में कोई भी खराबी नहीं है, न मशीन का, न इसका, न उसका, कोई भी खराबी नहीं है। तो उस समय एक विश्वास, तो वो लोग वो विश्वास निकालने लगा कि हो न हो हमारे जहाज में कोई तो ऐसा पापी व्यक्ति है, अलक्षिण जिसे बोलते हैं ना पापी, कोई तो ऐसा पापी व्यक्ति है जिसकी वजह से ये जहाज ऐसे ही रुका पड़ा, और ऐसे रुका है जैसे कि उसको बांध के ही रखा हो, हिल ही नहीं रहा। तो कोई तो पापी होगा, अभी पापी कैसे पहचान करे, तो एक चिन्ह लगा के सबको बांध दिया कि जो भी पापी होगा उसको उठा के जहाज से फेंकना है, वो भले ही मरे तो मरे पर जहाज तो जाएगा। तो ऐसा करके वो चिन्ह लगाया। अभी हर कोई तो डर जाएगा ना, खुद को वो आया तो खुद को तो मरना तय है, सब डर डर के वो चिन्ह ले रहा है। और जिसको वो पापी अलक्षिण करके वो चिन्ह गया ना, वो किसको गया, जहाज चलाने वाले जो कैप्टन है ना, उसके बीबी जो अभी अभी शादी करके लाए थे, और वो भी इतना खूबसूरत, इतना गहने पहन के अच्छे से सजे हुए, उसको लगा वो कैप्टन ने, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, फिर एक बार करेंगे। अभी कैप्टन ने बोला तो क्या कर सकते, फिर किया। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार वही पापी करके उसी को गया। अब क्या करे, और ज्यादा करने को बोलेंगे तो लोग भी गुस्सा होंगे। तो कैप्टन ने भी, अब यही पापी होगा, अब क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है अभी इसको नदी से फेंक दो। फिर बोलते ठहरो ठहरो ठहरो, जो भी हो ये मेरी बीबी है, हाँ मुझे वो तड़पते हुए मैं नहीं देख सकता, तो ऐसा करो कि उसको कोई तो पहाड़ी चीज से बांधो ताकि नदी में फेंकते ही वो नीचे डूबे, हमें तड़पते हुए ना देखे। फिर कहते थे 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 अभी मरने ही वाले हैं, तो इसको ये अच्छे कपड़े और गहना के सब उतारो, जो काम का नहीं एक कपड़े में लपेट दो। तो वैसा ही करके सारा गहना उतरवा दिया, सारा नए कपड़े उतरवा दिया, अब पुराना एक कपड़े में लपेट के एक पारी चीजों से बांध के सागर में फेंक दिया। और चमत्कार, जैसे ही उसको फेंका फिर ऑटोमेटिक वो जहाज आगे बढ़ने लगा। तो ये देख के जहाज में सफर कर रहे भिक्षु लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ रहेगा, वो लड़की ने ऐसा क्या पाप किया रहेगा जो इतने सारे लोगों के बीच में वो सिर्फ अकेले पापी होके जीते जी पानी में डूब के मरना पड़ा, क्या हुआ रहेगा, चलो भगवान बुद्ध से पूछते हैं। तो वो लोग भी गए, एक गया आकाश का गया, एक गया पानी का, अभी जमीन का एक घटना। एक समूह बनते, 7-8 बनते लोग दूर गांव में वर्षावास समापन करके भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आ रहा था। आते आते एक गांव में पहुंचे तो वहां पे अंधेरा हो गया।
अबे अंधेरे में चलने का तो बात ही नहीं है, तो वहां कोई विहार है क्या रहने के लिए? गए तो एक विहार एक पंते, तो वहां छोटा सा जगह है और पंते लोगों के लिए रहने लायक नहीं है। तो वो पंते कहते हैं यहाँ नजदीक पहाड़ है, वो पहाड़ में गुफा बनाया हुआ है और वहां अच्छे से रहने की जगह है, तपस्वी लोग वहां बहुत समय बैठ के ध्यान भी करते हैं, आप लोगों को वहां व्यवस्था करे क्या? ठीक है, वहां कर दिया। तो उपासक उपासिकाएं मिलके पंते मिलके वो आगंतुक पंते लोगों को गुफा में लेके गया और वहां क्या हुआ, जैसे ही आगंतुक पंते लोग वहां पे गए उसी समय पहाड़ के ऊपर से इतना बड़ा सा पत्थर नीचे लुढ़कते हुए आए और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। और ऐसा बंद हो गया, इस तरह बंद हो गया कि उसको कितना भी प्रयास करो निकला है ना, अंदर से कितना प्रयास किया बाहर से कितना प्रयास किया निकला ही नहीं, निकाल ही नहीं पाए। इस तरह न केवल एक दो मिनट एक दो घंटा, न केवल एक दो दिन, 7 दिन तक वो आगंतुक भंते लोग गुफा के अंदर ही सरते रहे दुख अंधेरे में। देखो और 7 दिन के बाद अचानक से वो पत्थर अपने आप लुढ़क के दरवाजा खुल गया। तो बाहर से उपासक उपासिका भंते जल्दी जल्दी जाके देखते हैं तो 7 दिन तक भूखे प्यासे भंते लोग मरने मरने जैसे हालत, जल्दी जल्दी उन लोगों को लेके जाते हैं, इलाज करते ठीक करते। फिर वो भंते लोग भी सोचने लगते हैं ये क्या अनहोनी है, हा? जैसे ही हम गुफा में गए वो गुफा का दरवाजा ही बंद हो गया और 7 दिन में ऑटोमेटिक वो दरवाजा वो पत्थर लुढ़क के खुल गया, क्या हुआ रहेगा? चलो अभी हम भी भगवान बुद्ध से पूछते हैं। तो वो लोग भी भगवान बुद्ध से पूछने के लिए चला गया। अभी कौन कौन पूछने के लिए गया भगवान बुद्ध से, कौन कौन गया सांगा हो सांगा, कौन कौन गए? एक गए आकाश में उड़ते हुए पंछी, जमीन के आग से झुलस के मर गया तो वो भंते लोग पूछने के लिए गए। दूसरा जहाज में इतने सारे लोगों के बीच में एक जवान अभी अभी शादी हुई औरत पापी अलक्षिण होके पानी में डूब के मर गए। और तीसरा स्वयं भंते लोग 7 दिन 7 रात तक गुफा में कैद हो गए। तो वो पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं, वंदना करते हैं, सारा कुशल अकुशल बात करने के बाद अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आकाश में उड़ते हुए पंछी जमीन के आग से झुलस के जल के मरना पड़ा क्यों? तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो भी उसी का कर्म है, उसने जैसा किया वही परिणाम उसको आया है। तो क्या परिणाम? तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, सम्यक संबुद्ध है, उनको तो सब पता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं किसी एक जन्म में वो एक किसान होके जन्म हुआ था, उसका एक बैल था, वही बैल को लाद के वो खेतों में जोतते थे, मगर बैल ऐसा कि एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं, कितना भी प्रयास करो उठता ही नहीं उठता ही नहीं। तो खेत जोते जोते ऐसे बैठते और उठता ही नहीं, काम करना है कितना, मतलब एक बार नहीं दो बार नहीं, कितना चिड़चिड़ापन आता है ना। तो एक बार तो ऐसे बैठ गया, कितना प्रयास किया उठा ही नहीं उठा ही नहीं उठा ही नहीं, वो किसान को इतना गुस्सा आया, देखो ना गुस्सा भी कितना खतरनाक है, इतना गुस्सा आया वहां जो खेतों में रखा हुआ वो सूखा वो धान का ऐसा वो जो रहता है ना सूखा हुआ वही चीज वो बैल के ऊपर डाल के आग लगा दिया, कितना गुस्सा, जिंदा जला दिया। तो यही पाप की वजह से अनेक अनेक
पाप भुगतने के बाद ये कौवे होके पंछी होके आकाश में उड़ रहा था, फिर भी जमीन के आग में जल के मरना पड़ा। पाप करेंगे तो आकाश में भी बचने की जगह नहीं। फिर दूसरा जो पूछते हैं उसका तथागत बुद्ध कहते हैं कि पानी में इतने सारे लोग जहाज में है, सिर्फ वही औरत पापी होके क्यों मरना पड़ा? तो कहते हैं किसी एक जन्म में वो भी एक किसान की बीवी होके जन्म हुई थी। किसान खेतों में काम करते थे तो वो खेतों में काम करने वाले को खाना ले जाके देना, अनेक सहयोग करना करते थे। मगर जिस गांव में वो रहती थी वहां एक कुत्ता हमेशा उसके पीछे 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 आते थे। कितना भी उसको दूर करो फिर भी पीछे 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 आते थे, पीछे पीछे आते थे। तो सारे गांव के लोग उसको बहुत मजाक करते थे, अरे 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 देखो आज ये औरत शिकारी कुत्ता लेके शिकार को जा रहे, आज हरिन का मांस खाने को मिलेगा, ऐसा अनेक अनेक मजाक उड़ाते थे। तो उसको बहुत गुस्सा आता, कितने उसको मारा दूर किया फिर भी वो पीछे 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 आते रहते। अभी जिसको होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, दूसरे का हुआ तो इतनी सी बात इसमें भी क्या गुस्सा ऐसा होता है, पर खुद को होता है ना बहुत इरिटेट होता है, बहुत ही चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ही गुस्सा आता है। एक बार नहीं दो बार नहीं, एक दिन सुबह से अपने पति खेतों में काम कर रहे वो खाना लेके गए, वो फिर भी पीछे 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 कितना दूर किया कितना मारा कितना गाली दिया फिर भी पीछे 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 पीछे, इतना गुस्सा उतना गुस्सा, अब क्या करूं क्या करूं। तो गांव में गांव से खेतों में गए, खाना वाना खिलाया, वो वापस आया फिर भी आ रहा है। फिर उसको इतना गुस्सा आया, लौटते समय एक तालाब था तो उसने जो खाना लेके गया था ना एक वो बर्तन, उसमें तालाब से एकदम बालू रेती भर दिया, उसको रस्सी से बांध दिया। फिर वो कुत्ते को आह करके बुलाया, हमेशा गुस्सा करने वाली हमेशा मारने वाली इतने प्यार से बुलाए तो कुत्ता भी पूंछ हिला हिला के दौड़ के आती है। जैसे ही नजदीक आया उसको पकड़ के वही रस्सी से बांध के तालाब में फेंक देता है। अभी वो रेत से भरा हुआ बर्तन की वजह से पार से वो कुत्ता वहीं डूब के तड़प तड़प के मर गया। इस तरह जो निर्दोष प्राणी को मार के आया वो पाप से न जाने कितना 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 दुख भुगतने के बाद ये समय में भी सैकड़ों लोगों के सामने पापी होके पानी में डूब के मरना पड़ा। मतलब जो उसने किया वैसा ही फल उसने भुगता, डो गया। अब कितना बाकी है? एक बाकी है। कौन सा बाकी है? गुफाओं में वो भिक्षु लोग 7 दिन 7 रात तक बंद होना पड़ा, क्यों? तो तथागत बुद्ध कहते हैं किसी एक समय में ये लोग ग्वाले होके जन्म हुआ था, ये गाय भैंस चराने वाले, तो वो लोग पहाड़ों में जंगलों में यहाँ वहां जाके गाय भैंस चराते हैं, और गाय भैंस चर गया तो वो लोग बातें करके ये वो करके खेल के बैठना है। तो एक समय एक गोट जैसा एक प्राणी, ये गोई जैसा छोटा सा प्राणी रहता है ना, हाँ वो प्राणी देखा तो वो लोग पीछे 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 जाके उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए भागा। तो वो प्राणी भी खुद का जान बचाने के लिए इधर भागते उधर भागते ज्यादा भागते, वो बच्चे लोग उसको पकड़ने के लिए पीछे 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 भागते भागते इतना थक गया कि वो एक छेद में मतलब अंदर गया। तो समय देखा, रात का समय भी होने वाले, शाम का समय है, अभी गाय भैंस पे लेके जाना है, चलो इसको कल पकड़ेंगे करके वहां जहां जहां से निकलने की जगह है तो सारा का सारा बंद करके उसको वहीं बंद करके कल आऊंगा करके वो लोग गए। अभी गाय भैंस चराने वाले है, हमेशा एक ही जगह तो चराते नहीं, कभी यहाँ कभी वहां ऐसे चराते चराते भूल गए वो लोग
और 7 दिन बाद जब वहीं से वो लोग गुजर रहे थे तो याद आया, अरे हमने यहाँ वो प्राणी को बंद किया था, चलो चलो देखो देखो। वो पत्थर वत्थर निकाल के देखा तो वहां से 7 दिन 7 रात तक वो बंद हुए, वो गोद प्राणी वहां से निकलता है, तलते गिरते मरा नहीं है। और उसको देख के मारते भी नहीं है, छोड़ देते। पर 7 दिन 7 रात तक इस तरह बंद करके रखा ना, तो वही पाप की वजह से भिक्षु होके भी पहाड़ के ऐसे जगह पे गुफाओं में भी 7 दिन 7 रात तक बंद होके रहना पड़ा। तो तथागत बुद्ध के